नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन में स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्मूथ एंड क्रीमी पनीर मक्खनी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, आधा छोटी कटोरी क्रीम, एक प्याज, दो टमाटर, अदरक 1 इंच, लहसुन की 3 कली और 7 से 8 काजू, काजू का पेस्ट, आधा छोटी कटोरी क्रीम, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, कटे हुए प्याज। पहले पैन में हम 3 चम्मच तेल ऐड कर लेते हैं। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को अच्छे से स्टर करते रहिए जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। देखिए प्याज अब ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। टमाटर, अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ी देर बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड उसे तब तक स्टर करते रहिए जब तक मसाले से तेल सेपरेट नहीं होने लगता। देखिए अब तेल मसाले से सेपरेट हो रहा है, तो अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देते हैं। काजू को इसमें मिलाकर कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए, नहीं तो काजू का पेस्ट पैन पर ही चिपक जाएगा। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देते हैं। पानी में उबाल आ जाने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें इसे 2-3 मिनट ही पकाना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। आपके पास अगर क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर तक कुक कर लीजिए। गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर सकते हैं। आपकी क्रीमी पनीर मक्खनी तैयार है। इसे आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।